बच्चों असाइनमेंट मिल गई आप लोगों को? स्टूडेंट्स हैव यू गॉट द असाइनमेंट? नहीं हो हाँ स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? हाँ असाइनमेंट मिल गई है तो हैंड रेज कर दो। ओके 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 मैम 8th B अभी ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, एनी इश्यूज? मैम 8th B ने अभी ज्वाइन नहीं किया, कोई उधर इश्यू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अच्छा ओके हाँ जी बच्चों, तो मैथ्स में अभी आप स्कूल में क्या कर रहे हो बच्चों? कौन सा टॉपिक कर रहे हो मैथ्स में? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो ठीक है जी, अब आ गए हैं आपके साथी लोग भी, तो अब हम थोड़ा सा हाँ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर ही बात कर रहे हैं। एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। चलो जी, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि एलजेब्रा होता क्या है? क्या है ये एलजेब्रा? हाँ जी बोलो जी, बोलो कौन बताएगा एलजेब्रा क्या होता है? क्या पढ़ते हो एलजेब्रा में आप? शाबाश, जल्दी से जल्दी से, कौन आएगा माइक के पास और मुझे बताएगा 8th से 8th B में से कि अलजेब्रा में क्या पढ़ते हो? अरे कोई नहीं बोलेगा, हाँ शाबाश बोलो। अलजेब्रा इज अबाउट कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स एंड देयर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। वेरी गुड। अब बेटा ये भी बता दो कि मुझे वेरिएबल की जरूरत ही क्यों पड़ी? अच्छे भले नंबर्स थे मेरे पास, रियल नंबर्स, और फिर आपके पास नेचुरल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर ये वो, तो मैंने वेरी आप चलिए बेटा बैठिए आप सीट पे, आप चलिए बच्चे। हाँ जी, वेरिएबल्स क्यों इंट्रोड्यूस करने पड़े? कोई एप्लीकेशन बता सकते हो जनरल लाइफ से देख करके कि मेरे पास वेरिएबल्स का क्या यूटिलाइजेशन है, क्यों यूज कर रहे हैं हम वेरिएबल्स को? उससे भी पहले हम बात करें कि वेरिएबल का मतलब क्या है। What do you mean by a variable? एक है हमारे पास कॉन्स्टेंट, एक है हमारे पास वेरिएबल। अगर हम लिटरल मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग पर भी जाएं, कॉन्स्टेंट का मतलब समथिंग दैट डज नॉट चेंज, दैट रिमेन्स एज इट इज, और वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल का मतलब जो चेंज होता रहता है। ठीक है, इफ आई राइट अ न्यूमरल से 5, 5 विल बी 5 ओनली, बट इफ आई टॉक अबाउट से p, आई से दिस इज अ वेरिएबल। क्यों वेरिएबल? क्योंकि मैं इस p को जो मेरा मन चाहे वो वैल्यू दे दूं। आई कैन टेक p एज 2, आई कैन टेक p एज 100, आई कैन टेक p एज -1/2, आई कैन टेक एनीथिंग इनटू दिस। आई कैन इमेजिन, लेट अस से मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मेरी मर्जी की मैं इसमें ये एक्स डाल रही हूं, और ये एक्स को मैं जो मर्जी, जो मेरा मन चाहे वो मैं कह दूं। मैं कहूं कि मैं इसमें 2 बॉल्स डालना चाहती हूँ, मैं कहूं मैं इसमें 5 बॉल्स डालना चाहती हूँ, मैं कहूं मैं इसमें 10 बॉल्स डालना चाहती हूँ। सो आई कैन दे डू एनीथिंग विद इट। कॉन्स्टेंट जो था इसने मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ ही काम कर सकती हूँ, लेकिन वेरिएबल ने मुझे लिबर्टी दे दी कि मैं डिफरेंट चीजों के साथ काम कर सकूं। अब क्या आप मुझे वेरिएबल की एप्लीकेशन नॉर्मल लाइफ से कुछ जोड़ करके बता सकते हो? एनीबडी, जो उसका जो दिमाग में आता हो, किसी भी तरीके से, किसी भी एग्जाम्पल के साथ आप मुझे समझा सकते हैं कि वेरिएबल का यूज हम नॉर्मल लाइफ में कहां कर रहे हैं?
बस जल्दी से सोचो कुछ, कहां से? ए थे से बताओगे, ए बी से कौन बताएगा मुझे? मैम सेक्शन ऑफ द क्लासेस लाइक 8th A 8th B. ओके बिल्कुल ठीक है। आपने दो डिफरेंट एक ही क्लास के दो चीजों को डिफरेंशिएट करना था, तो आपने कह दिया 8th A 8th B। डिफरेंशिएट करने के लिए अब 8th क्लास तो 8th ही रहेगी, लेकिन आपने आपने ए और बी डाल दिया, सो दैट इज कि आपने उसके साथ एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। ऑल्दो आप इसमें कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं डालते हो, 8th A इज ऑलवेज 8th A, 8th B इज ऑलवेज 8th B, इसमें आप कुछ डिफरेंट नहीं डाल रहे हो, यू आर कीपिंग इट एज सच। सपोज मैं कहूं कि आप एक शॉप पे गए एंड यू हैव टू बाय पेन, यू हैव टू बाय सम पेन्स एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज से ₹10। कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹10 एंड मुझे, मेरे पास जो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर आ रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। कोई कहता है मैंने 2 पेन लेने हैं, कोई कहता है मेरे को 10 लेने हैं, कोई कहता है मुझे 4 पैकेट लेने हैं, कोई कहता है मुझे 20 पैकेट लेने हैं। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट डिफरेंट कस्टमर्स वॉन्ट टू हैव डिफरेंट थिंग्स। अब अगर मुझे एक जनरल फॉर्मूला बिठाना हो, बताना हो कि सपोज अगर मैं कहूं कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स, तो आंसर क्या निकालोगे? हंड्रेड, मतलब आपने कॉस्ट इनटू क्वांटिटी ऑफ पेन, यही रहेगा कॉस्ट ऑफ वन पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन इनटू नंबर ऑफ पेन्स, दैट गिव्स मी टोटल कॉस्ट। अब इसमें क्या चीज फिक्स्ड है, कॉस्ट ऑफ वन पेन या नंबर ऑफ पेन्स, विच इज फिक्स्ड? लेकिन नंबर ऑफ पेन्स क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। कोई कह रहा है 2 दे दो, कोई कह रहा है 4 दे दो, कोई कह रहा है 20 दे दो, तो डिफरेंट डिफरेंट हो गया। अगर मैं यहां से अपना एग्जाम्पल उठाऊं तो कॉस्ट ऑफ पेन इज फिक्स्ड, दिस इज योर कॉन्स्टेंट, लेकिन नंबर ऑफ पेन्स इज अ वेरिएबल। अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो मैं कह दूं टोटल कॉस्ट इज 10 इंटू से पी, वेर पी इज द नंबर ऑफ पेन्स। तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन बन गया। अब मेरे से कोई भी कहे मेरे को 2 पेन लिखने हैं लेने हैं, तो मैं पी की जगह 2 डाल के कैलकुलेशन कर दूं। कोई मुझे कहे मेरे को 10 पेन लेने हैं, तो मैं पी की जगह 10 डाल के कैलकुलेशन कर दूं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आई कैन डू। समझ में आई बात? अब मेरी एक बात का जवाब देना फटाफट से, सबने मुझे सोच के बताना है। एक हम सिंपल सा काम करने जा रहे हैं। क्या मैंने कहा कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज ₹P एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंजेस इज ₹Q। ठीक है जी, 1 kg एप्पल की कॉस्ट ₹P है एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंजेस इज, ठीक चलो हम इसको फिक्स कर देते हैं, एक काम करते हैं कॉस्ट को फिक्स कर लेते हैं। 1 kg एप्पल, कुछ पता है कितने रुपए किलो एप्पल हो आजकल हो है मार्केट में? एनी आइडिया? 100 रुपीज ले लेते हैं और ऑरेंज कह देते हैं 150 रुपीज। ठीक है जी, अब लेट अस से आपकी एक फ्रूट शॉप है और आप वहां बैठ के डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट को सेल कर रहे हो। अब डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर आएंगे, कोई कहेगा मुझे आधा किलो एप्पल दे दो, कोई कहेगा मुझे आधा किलो ऑरेंजेस दे दो, कोई कहेगा 5 किलो ऑरेंजेस दे दो, ये वो सब कुछ। तो अगर मुझे, मेरे पास कोई भी कस्टमर आए जो दोनों चीजें बाय करना चाहता है, मैं उसके लिए टोटल कॉस्ट का एक एक्सप्रेशन बनाना चाहती हूं।
अब कैसे बनाऊं, क्योंकि अब इसमें वेरी क्या करेगा, क्वांटिटी इज गोइंग टू वेरी, कोई कुछ लेना चाहता है कोई कुछ लेना चाहता है, ठीक है जी। मेरे को टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, वो दोनों चीजें ले तो भी, कोई एक चीज ले तो भी, जितनी मर्जी क्वांटिटी है तो भी, क्या कोई एक्सप्रेशन बना के दे सकते हो मुझे? मेरा मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? कैन यू फ्रेम अ एक्सप्रेशन जहां से आप क्वांटिटी की सिर्फ वैल्यू भरो उसमें और आंसर निकलते जाएं, ऐसा कोई एक्सप्रेशन बना के दे सकते हो मुझे? मैंने कॉस्ट फिक्स कर दी कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट जो है वो 100 रुपए है, और 1 kg ऑरेंजेस की जो कॉस्ट है वो 150 रुपए है। जल्दी से बनाओ और जिसका निकल जाए हाथ खड़ा करके मुझे बता दो। जल्दी जल्दी लिखो, एक्सप्रेशन लिखना है तुम्हें। क्वांटिटी वेरी करनी है, कॉस्ट फिक्स है। जैसे अभी हमने कहा था 10p, पी था नंबर ऑफ पेन्स, 10 रुपए कॉस्ट थी। अब एक चीज की बजाय दो चीजें आ गई हैं तुम्हारे पास। अब मुझे एक्सप्रेशन फ्रेम करना है, बोलो कैसे होगा? जल्दी से कर दो फटाफट, इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। फटाफट आंसर क्या करो ताकि मुझे समझ में आए कि हो गया, जिसका हो गया फटाफट हाथ खड़ा कर दो, जल्दी से माइक के पास ही आ जाओ फटाफट और बताओ दोनों सेक्शंस में से, वरना फिर मैं खड़ा करूं किसी को। एट बी वाले बच्चे अच्छे हैं, फटाफट रिस्पॉन्ड करते हैं, एट वाले तो खड़े ही नहीं होते, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ बेटा बोलो। मैम, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 100, एंड इन पी इज द क्वांटिटी ऑफ द केजीज, दैट हाउ मेनी केजी अ पर्सन बाय एप्पल, ओके एंड इन ऑरेंज टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय क्यू, एंड दिस क्यू इज द क्वांटिटी ऑफ द ऑरेंज, एंड दैट हाउ परफेक्ट, मेनी। बिल्कुल ठीक है। अगर टोटल कॉस्ट की बात करूं, मैं यहां कह दूं 100p प्लस 150q, वेर p इज एप्पल्स, क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स आई शुड से, दिस इज क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स इन केजी, एंड क्यू इज दी क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस इन केजी। अब अगर मैं कहूं, सोच समझ के आंसर करना, अगर मैं कहूं कि देर इज अ पर्सन हु वॉन्ट टू हैव से 2 kg ऑफ एप्पल, मतलब पी 2 kg है और क्यू 500 ग्राम्स है, तो टोटल कॉस्ट क्या बनेगी, हाउ मच ही हैज टू पे? इज माई क्वेश्चन क्लियर? ये मेरे टोटल कॉस्ट का एक्सप्रेशन है। एक कस्टमर आया, वो कह रहा है कि मुझे 2 किलो तो एप्पल दे दो और 500 ग्राम ऑरेंजेस दे दो, और वो आपको पूछ रहा है बताओ भाई कितने पैसे दूं। बता सकते हो कितने पैसे देने पड़ेंगे? हाँ जी, अब मुझे एट ए से आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, एट फटाफट। हाउ मच मनी शुड आई आस्क फ्रॉम द कस्टमर? हाँ जी, गर्ल्स फर्स्ट बेंच पे बैठी हैं, करके फिर बैठे मत रहा करो, बोला करो बच्चों, ताकि मुझे समझ में आए, कोई बात समझ भी आ रही है आपको। एट ए से गुरवीर सिंह। हाँ जी, वेर इज गुरवीर सिंह? आ जाओ बच्चे फटाफट, बता बेटा। कॉस्ट ऑफ एप्पल्स वर 200, ओके, ये मेरे पास 100p प्लस 150q टोटल कॉस्ट था। 2 किलो मैंने बाय किए एप्पल्स, तो यहां मैंने p को 2 डाल दिया, अब q को क्या डालूं, 500 डालूं या कुछ और डालूं बेटा? सोच ले बच्चे, यहां पर हमने p और q क्या लिखा है, किसमें है, केजीज में, और यहां पर मैं क्वांटिटी किसमें दे रही हूं बेटा? तो क्या मैं सीधे सीधे यहां q को 500 डाल सकती हूँ? बोल बच्चे, डाल दूं? फिर क्या डालूं इसकी जगह?
शाबाश शाबाश, सोच के बता बेटा, 500 ग्राम्स कितने किलोग्राम के इक्वल हुआ? टू हाँ बोलो। मैम, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 200 एंड कॉस्ट हाँ, ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू 75 रुपीज। 75 रुपीज, बिल्कुल ठीक है जी। 8th B से सही आंसर आया, 8th A वाले आंसर नहीं कर रहे हैं ठीक, गड़बड़ कर रहे हैं ये। देखो जी, यहां पर था 500 ग्राम्स, यहां पर क्यू मेरा है केजीज में, केजीज में है इसका मतलब मैं आधा किलो ऑरेंज बाय कर रही हूं। आधा किलो ऑरेंज का मतलब है कि क्यू कितना डलेगा, 1/2। तो ये हो गया 200, और इसको कैंसिल करोगे तो 75, मतलब टोटल कितना हो गया, 275 रुपीज इज वॉट यू नीड टू पे। ठीक है बच्चे, जाओ आप अपनी सीट पे, 8th A। अब इसी तरीके से जब मैंने ये एक्सप्रेशन लिया, तो इस एक्सप्रेशन में अब पी और क्यू वेरिएबल हो गए, 100 और 150 कॉन्स्टेंट्स हो गए। ठीक है जी, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर एक पर्सन पी केजीज एप्पल बाय कर रहा है और क्यू केजीज ऑरेंजेस बाय कर रहा है, तो वो टोटल कितने किलो बाय कर रहा है? सो व्हाट बी योर आंसर? मैम पी प्लस क्यू, पी किलो तो एप्पल्स हैं और क्यू किलो ऑरेंजेस हैं, सो दिस मच क्वांटिटी दे आर बाय। अब एक बात और जवाब देना, अगर एक पर्सन है जो 2 किलो एप्पल ले रहा है, 1 किलो ऑरेंज ले रहा है, ठीक है, तो मैं टोटल तो कह सकती हूँ कि उसने 3 केजी फ्रूट्स बाय किए, लेकिन क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि उसने 3 किलो एप्पल लिए या 3 किलो ऑरेंज लिए? ऐसा तो नहीं कह सकती मैं। नो इसका मतलब है एप्पल एप्पल में ऐड होंगे, ऑरेंज ऑरेंज में ऐड होंगे। ठीक है, जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ये सब कुछ मैंने किस लिए कहा? सबसे पहले तो वेरिएबल यूसेज कैसे है, आपका जो शॉपकीपर है उसको भी ये काम आता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो अलजेब्रा अप्लाई कर रहा है। आपको पता चल गया कि वो अलजेब्रा अप्लाई कर रहा है, उसको भी पता चलता है कि इतनी कॉस्ट है, इतने पैसे हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूं और ऐसे करके अपना बिल बना दूं, लेकिन उसको पता नहीं कि वो अलजेब्रा जानता है और उसको यूज कर रहा है। आपको समझ में आ गया कि अलजेब्रा आप डेली लाइफ में कैसे यूज कर रहे हो? यस चलो फिर, अब हमें अगली जो बात हम करने जा रहे हैं, दैट इज हम बात करते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स की। सबने सुना ही है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। मैं टर्म्स लिख रही हूं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 2x³ -2x² xy एंड सो ऑन। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं लाइक टर्म्स कौन सी हैं? x² x² -2x² दे आर लाइक टर्म्स, देन x³ एंड 2x³ आर लाइक टर्म्स। इसके जैसी कोई और टर्म मेरे पास नहीं। लाइक और अनलाइक की इंपॉर्टेंस क्यों है? लाइक और अनलाइक की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस मेरे पास है जब मुझे चीजों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं लाइक चीजों को ही ऐड कर सकती हूँ, लाइक को ही सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। जैसे अभी हमने कहा कि कोई बंदा आता है, वो कहता है, एक पर्सन कह रहा है कि मैंने 2 केजी एप्पल लेने हैं और 1 केजी ऑरेंजेस लेने हैं। दूसरा बंदा आया, वो कह रहा है मैंने 3 केजी एप्पल लेने हैं और 2 केजी ऑरेंजेस लेने हैं। अब अगर मैं आपको पूछूं कि टोटल कितने एप्पल उसने सेल किए, तो क्या करोगे आप? 5 5 केजी एप्पल, और अगर मैं पूछूं टोटल कितने ऑरेंजेस सेल किए, तो 3 केजी आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि एप्पल में ऑरेंज ऐड कर दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। एप्पल। एप्पल अलग है, ऑरेंज अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं, तो उनको तो मैं आपस में ऐड नहीं कर सकती। मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि 2 किलो एप्पल एंड 1 केजी ऑरेंजेस एक पर्सन ने लिए। ना तो मैं कह सकती हूँ कि उसने 3 किलो एप्पल लिए, ना मैं कह सकती हूँ 3 किलो ऑरेंज लिए। ठीक है जी, तो हम नॉर्मल लाइफ से ही अपनी सीखें कि हम जब एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट
नहीं कर सकते। जब हम मैथमेटिक्स के टर्म्स में बात करते हैं तो लाइक का मतलब सेम वेरिएबल एंड रेस टू पावर सेम। एक्स वेरिएबल है सेम पावर, यहां पे भी टू पे रेज हुआ, यहां पे भी टू पे रेज हुआ, यहां तीन पे रेज हुआ, यहां तीन पे रेज हुआ, इसीलिए इनको लाइक कह दिया, अदरवाइज क्या कह दिया हमने इसको, अनलाइक। अब जैसे मैंने यहां पर एक्सप्रेशन लिखा 100p प्लस से 150q, जो हमने एक्सप्रेशन किया था फ्रेम कॉस्ट के लिए, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं बच्चों? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन? टू टर्म्स। तो हम डिफरेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है जी? जैसे हमने पहले पेन की कॉस्ट कही थी, टोटल कॉस्ट हमने कहा 10p, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? वन। इसमें कितनी हैं? टू। क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं, मैं उनको एक नहीं बना सकती, इसलिए मुझे दो टर्म्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी पड़ी। लेटर से मैं इसी के साथ यहाँ पे कह देती हूँ -50p। नाउ हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन? Three. बस यहीं पे तो गड़बड़ है। आर देयर थ्री टर्म्स? सॉरी टू। एग्जैक्टली, ये बहुत ध्यान रखना है जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने को बोला जाए तो हम डिफरेंट टर्म्स की बात कर रहे होते हैं। यहां पर ये दो लाइक टर्म्स हैं, जब मैं इन दो लाइक टर्म्स को कंबाइन कर दूं तो क्या बन गया 150p प्लस 150q। सो इस एक्सप्रेशन में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? टू। सो व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट नंबर ऑफ टर्म्स, बी केयरफुल, जो आपके पास एक जैसी टर्म्स हैं उनको एक ही बार काउंट किया जाता है, जितनी बार आ रही है उतनी बार नहीं काउंट किया जाता, ठीक है जी? तो अगर ये एक्सप्रेशन दिया तो ये कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये देख लो नंबर ऑफ टर्म्स देखने का मतलब है आपको क्या देखना है, कितनी अनलाइक टर्म्स, दैट्स इट। क्लियर हो गया ये? चलो, और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिफरेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, वो सब आपको पता ही है, उसके मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम एक काम करते हैं, फटाफट हम पहले पांच क्वेश्चन जल्दी से कर डालते हैं। जरा बताओ जी, पहला क्वेश्चन असर्शन रीजन कैसे करने हैं, ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखी हैं। पहला, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इन -15 एक्स स्क्वायर वाई इज 15, इज इट करेक्ट और नॉट? क्या गलती है बच्चों इसमें? यहाँ पर टर्म थी -15 एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई के साथ तो -15 पड़ा है, तो कोफिशिएंट हेयर इज -15 एंड नॉट 15। अब स्टेटमेंट टू दी है, अ कोफिशिएंट इज अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल, इज इट ओके? यस। तो आंसर क्या बनेगा? डी। पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, स्टेटमेंट वन हमारी फॉल्स है, जबकि स्टेटमेंट टू हमारी ट्रू है, सो मेरा आंसर क्या है इस केस में? डी। अगला, द नंबर ऑफ लाइक टर्म्स, ये जो दे रखी है इसमें लाइक टर्म्स की बात करी जा रही है, हाउ मेनी लाइक टर्म्स आर देयर? थ्री। कौन सी लाइक टर्म्स हैं? 9x³ -8x³ एंड 6x³। तो स्टेटमेंट वन तो ट्रू हो गई, स्टेटमेंट टू में दिया लाइक टर्म्स आर द टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल्स एंड पावर्स, ट्रू है। अभी हम बात करके ही हटे हैं कि सेम ही वेरिएबल और उनकी सेम ही पावर्स होंगी तभी टर्म्स लाइक बनती हैं, वरना अनलाइक हो जाती हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए इसमें बच्चों? ए। स्टेटमेंट वन भी ट्रू है, स्टेटमेंट टू भी ट्रू है, और सेकेंड फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सो आंसर इन दिस केस इज ए। नेक्स्ट देखो जी, देयर आर फाइव टर्म्स आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन, बताओ जी पांच टर्म्स हैं कि नहीं है? कोई भी टर्म्स इसमें लाइक नहीं है, सारी अनलाइक टर्म्स हैं,
और कितनी है टोटल? पांच. ऑल आर अनलाइक, सो व्हाट आई विल से द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस इज फाइव. अब एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स व्हिच आर ईदर प्लस माइनस, प्लस साइंस और माइनस साइंस और मल्टीप्लिकेशन डिविजन कुछ भी आ सकता है यहाँ पर. तो बताओ जी स्टेटमेंट टू ट्रू है कि नहीं है? ट्रू है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हमारे पास जो डेफिनेशन है वो यही है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ टर्म्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिविजन एनी ऑफ दी फोर ऑपरेटर्स. अब आंसर बताओ जी ए होना चाहिए कि बी होना चाहिए? बी आंसर. दोनों अपनी अपनी जगह तो स्टेटमेंट्स ठीक हैं, लेकिन सेकंड वाली फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रही है. हाँ जी, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3a इज अ ट्राइनोमियल. अभी अभी यही बताया था, ध्यान से बताओ फॉल्स की ट्रू? ट्रू. यहां मैंने फिर से वही बात पे मैं आ रही हूं. दिखने में आपके पास चार टर्म्स हैं, लेकिन क्या चारों अनलाइक हैं? नहीं. ये पहली और लास्ट वाले टर्म तो लाइक टर्म्स हो गई हैं, तो इनको एक ही तो काउंट करना है मुझे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हुए. तो इसमें कितनी टर्म्स हुई? तीन. और जिस एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स होती हैं उसको ट्राइनोमियल बोला जाता है. अब स्टेटमेंट टू बताओ. ट्राइनोमियल तो अभी अभी हम बात करके आते हैं कि तीन टर्म्स होनी चाहिए थी, यहाँ तो दो ही रह गई है. मतलब जो इस एक्सप्रेशन दिया ये तो दो कह रहा है, मतलब तो गड़बड़ हो गई. तो अब आंसर क्या होगा? फॉल्स. स्टेटमेंट वन ट्रू हो गई, टू फॉल्स हो गई. तो मेरा फाइनल आंसर क्या बना बच्चों? सी ऑप्शन. सी ऑप्शन होती है स्टेटमेंट वन ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स. तो पहले assertion reason का आंसर डी है, सेकंड का ए है, थर्ड का बी है और चौथे का सी है. फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बात करनी है fill in the blanks की. The product of two monomials is always a, पहले monomial की बात करते हैं. Let us say एक monomial है मेरे पास 10p और दूसरा है 5q. मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स. बताओ जरा क्या आंसर बनेगा? 50 PQ. ठीक है जी. अभी अगर मैंने 50 PQ कर दिया तो मेरा आंसर मोनोमियल है कि कुछ बदल गया? Is it a monomial or not? Monomial ही है क्योंकि टर्म तो एक ही है ना. अब उस एक टर्म, यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, इस एक टर्म में दो वेरिएबल पड़े हैं, p और q दोनों आ गए, लेकिन टर्म तो एक ही है. टर्म नहीं कोई और, कहीं कुछ ऐड नहीं हो रहा, कोई सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. सो अगर मैं दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मेरा एंड रिजल्ट भी क्या आ रहा है? मोनोमियल. An equation is true for dash values of the variable. Options दे रखी हैं, all values, certain values. यहां पर पहले हम एक बात करते हैं. आप लोगों ने equations पढ़ी, linear equations आप कर चुके होंगे, और फिर आपने इसी chapter में identities की भी बात करी है. करी कि नहीं करी बच्चों? है ना. जब आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे तो किस तरह की इक्वेशंस थी? इसे 2x plus 5 is equal to 0. जब आपने आइडेंटिटीज की बात करी तो आपने पढ़ा a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको मैंने इक्वेशन ही क्यों कहा, इसको आइडेंटिटी ही क्यों कहा, मैंने अदर वे राउंड क्यों नहीं कह दिया? ऐसा क्यों नहीं कह दिया कि ऊपर वाली इक्वेशन आइडेंटिटी है, नीचे वाली इक्वेशन है, या फिर दोनों ही इक्वेशंस है, या फिर दोनों ही आइडेंटिटी है, दोनों में वेरिएबल पड़े थे, दोनों में इक्वल टू का साइन है, सब कुछ तो सेम है, फिर एक इक्वेशन और एक आइडेंटिटी क्यों है भला? एनी
एनीबडी हु वांट्स टू से समथिंग अबाउट इट, ये डिफरेंशिएशन क्यों? किसी के दिमाग में कोई भी बात आती हो बच्चों, वट एवर कम्स टू योर माइंड यू नीड टू शेयर इट, तभी आपको समझ में आएगा कि जो हम सोच रहे हैं, जिन लाइन पर हम सोचते हैं, वो ठीक है या गलत है, तभी आप अपने थॉट प्रोसेस को करेक्ट कर पाओगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर योर थॉट्स. इस बात की चिंता मत किया करो कि ठीक था कि गलत था, ठीक गलत तो अपनी जगह है, पर तुमने सोचा वो इंपॉर्टेंट है. हाँ जी, एनीबडी वांट्स टू से समथिंग कि ये इक्वेशन, ये आइडेंटिटी क्यों, ये दो अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या एक से काम नहीं चल रहा था? एक दिमाग खाने को कम थी इक्वेशन, एक नई चीज भी घुसा दी हमने आइडेंटिटी, है ना, बिना मतलब से. चलो अब मैं तुम्हें एक बात पूछती हूं, मैं इसको ट्रू करना चाहती हूं, ठीक है जी? तो यहां पर इस वेरिएबल को मैं अपने मन से कोई भी वैल्यू दे सकती हूं. मान लो अगर मैं एक्स को वन वैल्यू दे दूं, तो क्या ये इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाएगी? नहीं होगी. वन दिया तो ये टू प्लस फाइव सेवन, और इधर जीरो, सात तो जीरो के बराबर होता ना. अगर मैं मान लो एक्स को माइनस वन वैल्यू दे दूं, तो क्या ये सैटिस्फाई हो जाएगी? अब भी नहीं होगी. फाइव माइनस टू तो थ्री होता है, तीन तो जीरो के इक्वल होता नहीं. इसका मतलब यहां पर जो एक्स, जो मेरा वेरिएबल पड़ा था, उसको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दूंगी तभी ये सैटिस्फाई होगा. ऐसे तो नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी देते जाऊं तो नहीं हो रहा, मैंने देख लिया, वो तो गड़बड़ हो जा रही है बार बार, ठीक है? तो अब मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैं यहां इस एक्स को क्या वैल्यू दूं ताकि ये इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाए. पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है अब आपसे. बता दो जी, क्या आपको समझ में आता है? लीनियर इक्वेशन आप कर चुके होंगे जहां तक मुझे आइडिया है. मैं यहां एक्स को क्या वैल्यू दूं ताकि ये इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाए? माइनस फाइव बाय टू. आपने कहा कि टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो अगर मैं एक्स को माइनस फाइव बाय टू यहां पर डाल दूं, टू इंटू माइनस फाइव बाय टू प्लस फाइव, ये इससे कैंसल, माइनस पांच प्लस पांच मतलब कि जीरो हो गया, ठीक हो गया. इसका मतलब इस इक्वेशन में एक्स सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता. मेरे कोई, मेरा अपना मन नहीं है कि मैं जो चाहूं वो डालूं और काम हो जाए, ना ऐसे नहीं होगा. अब हम क्या करते हैं, अब यहां पर तुम इतने बच्चे बैठे हो, सब अपनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले लो ए और बी की, जो तुम्हारे मन में आए, वट एवर यू फील लाइक, टेक एनी वैल्यू फॉर वेरिएबल ए, एनी वैल्यू फॉर वेरिएबल बी, अपनी मर्जी से. मर्जी करने का मौका कम मिलता है बच्चों को, अब मैं तुम्हें मर्जी करने दे रही हूं, ठीक है? अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लो ए की, कोई भी वैल्यू लो बी की, इधर भी डालो, इधर भी डालो, और कैलकुलेट करके देखो क्या दोनों साइड बराबर हो रही है. शाबाश, जल्दी जल्दी करो, बैठे किस लिए हो? कोई भी वैल्यू जो तुम्हें अच्छी लगे या तुम्हें लगता कि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, वट एवर वे यू फील लाइक, टेक एनी वैल्यू दैट कम्स टू योर माइंड फॉर ए एंड एनी वैल्यू दैट कम्स टू योर माइंड फॉर बी. फटाफट करो और मुझे बताओ, क्या ए और बी की किसी भी वैल्यू के लिए ये चीज सैटिस्फाई हो रही है? बातें करने को नहीं बोला मैंने. 8B फर्स्ट बेंच. हाँ बच्चे, करो फटाफट, जो बात कही पहले वो करो फटाफट से. जल्दी जल्दी फटाफट करो और मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा बच्चा जिसकी कुछ दिक्कत आई हो, जो वैल्यू ली वो सैटिस्फाई नहीं कर रही हो? जल्दी जल्दी करो, इतनी देर नहीं लगा सकते हम एक क्वेश्चन पे. फटाफट टेक एनी वैल्यू ऑफ ए एंड एनी वैल्यू ऑफ बी, पुट इट इन द राइट हैंड साइड, पुट इट इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड सी आर यू गेटिंग
दोनों वैल्यूज सेम और यू आर गेटिंग टू डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम दो साइड टू साइड्स. मैम प्लीज आप देखिए कर रहे हैं बच्चे कुछ कि नहीं, एक जल्दी से एक आप राउंड मार के देख लो कि कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. एक्चुअली मैम दे आर ट्राइंग बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर इज नॉट डन. ओके चलो नहीं भी किया तो उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज नॉट अ बिग डील. मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ कि यहाँ पर ए और बी को वैल्यू देनी है हमने. ए को क्या वैल्यू दे दूं कुछ बोलो, जो तुम्हारा मन करे बोल दो. फाइव दे दी. बी को क्या वैल्यू दे दू, थ्री. लो जी ए को पांच वैल्यू दे देते हैं, बी को तीन वैल्यू दे देते हैं. जो ऊपर पड़ा था हमारे पास इक्वेशन उसमें हमने देखा कि हम एक्स को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रहे थे तभी मेरी इक्वेशन सैटिस्फाई हो रही थी, वरना तो नहीं हो रही थी. अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं राइट हैंड साइड में जा रही हूँ. पांच प्लस तीन का होल स्क्वायर बताओ जी क्या बनेगा, एट का होल स्क्वायर. व्हाट इज एट का होल स्क्वायर, 64. अब इस साइड पे डालो, ए को डालो पांच मतलब क्या हो गया फाइव का स्क्वायर, बी को डाला तीन मतलब थ्री का स्क्वायर. टू इंटू ए इज फाइव बी इज थ्री. अब कैलकुलेट करो जरा, ये है लेफ्ट हैंड साइड ये है राइट हैंड साइड, करो जरा फटाफट से कैलकुलेट इसकी वैल्यू क्या बनी. ये आया 25, ये आया 9, ये क्या हो जाएगा 30. तो 25, 30 और 9 को ऐड करूं तो क्या बन रहा है 64 बन गया. मैंने ए को पांच बी को तीन वैल्यू डाली, दोनों साइज बराबर आ गई, कहीं तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं. लेकिन जब मैं यहाँ पर एक्स को डिफरेंट, ठीक है जी, तो दोनों साइज इक्वेशन की दोनों साइज बराबर आ गई. आगे कि नहीं आगे. Yes. अब एक काम करते हैं, एक और काम, ए को वन लो और बी को टू लो. अब समझ में आ गया मैं क्या करने को कह रही हूँ, जरा करके देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर बनी कि नहीं बनी. शाबाश फटाफट कर दो. अब टेक ए एज वन बी एज टू एंड सी वेदर यू आर गेटिंग राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और नॉट. ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए को क्या डालना था मैंने वन, बी को डालना था टू, टू प्लस वन थ्री का स्क्वायर नाइन. इसका मतलब ये जो ऊपर पड़ा था ये मुझे तंग कर रहा था, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रही थी इसमें, इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू डाली तभी आंसर मिला मुझे. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं वेरिएबल को जो मर्जी वैल्यू डाल दूं, मेरा जो मन करे वो डाल दूं तो सैटिस्फाई हो जाता. यही फर्क होता है एक इक्वेशन में और एक आइडेंटिटी. आइडेंटिटी जो होती है दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, बट इक्वेशंस दे आर ट्रू फॉर, दे आर ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. आइडेंटिटीज जो हैं दे आर ट्रू फॉर All values of variables. समझ में आ गया बच्चों? Identities में आप variable को जो आपका मन करे वो value डाल सकते हो, लेकिन equations में आपको कुछ particular values ही डालनी पड़ती हैं, तभी वो satisfy होती हैं, नहीं तो नहीं होती. तो हम आ जाते हैं अब अपने फिल इन द ब्लैंक कर रहे थे. सेकंड था, एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर डैश वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, तो क्या आएगा सर्टेन या ऑल. हाँ जी आंसर विल बी सर्टेन
for person. And identity true for all. The numerical factor of a term is called numerical factor of a term. Let us say मैंने कहा 3x. इसमें ये numerical factor है, number है, तो इसको क्या बोलते हैं? Variable के coefficient. तो मेरा answer क्या बनेगा? बता दो जरा. P, Q, R, S की कौन सी values हैं? A option, B option, C option के D option. क्या ठीक बैठ रहा है मेरे लिए? B option हो गया. क्योंकि पहले का answer monomial बन रहा था. Q की जगह certain डालना है, R की जगह all डालना है और S की जगह coefficient डालना है. ठीक है जी. अब next जो question है that is about degree of a polynomial. बताओ जी, degree of a polynomial क्या होती है? If I am writing an expression, say 3x square plus 5x cube minus 6x, what is degree of this polynomial? Mem, the sum of the powers. Sum of the powers of the variable in one term या सारी terms में जो power है सबको add करके जो बनता है वो degree होती है. सारी terms in one term. और जो हाईएस्ट वैल्यू आती है वो डिग्री हो जाती है. तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की डिग्री की बात करूं तो तुम्हारा आंसर क्या होएगा? थ्री. अब मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फाइव एक्स वाई जेड. बताओ जी इसकी डिग्री क्या होगी? फोर. यहाँ पे अगर मैं पावर्स का सम करती हूँ तो टू प्लस वन थ्री. यहाँ पे करूँ तो टू प्लस टू फोर. यहाँ वन प्लस वन प्लस वन थ्री. हाईएस्ट पे जाना रहता है तो मेरी डिग्री हो गई फोर. अब जरा फिर सिक्स्थ क्वेश्चन कर दो फटाफट. द डिफरेंस ऑफ द डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उनकी डिग्रीज में कितना फर्क है ये बताना है. मतलब कितना? पहला जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है बच्चों? हाँ डिफरेंस वन है. मैंने पूछा जो पहला पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है? फर्स्ट पॉलिनोमियल की डिग्री एट. और सेकेंड वाले की नाइन. ठीक है जी. पहले वाले में जो टर्म पड़ी है फाइव एक्स वाई पावर सेवन, इसकी हाईएस्ट डिग्री सेवन प्लस एट आठ बन रही है. और नीचे वाले में तुम्हारे पास है टेन ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर. नहीं पहले वाला सॉरी, फाइव ए बी सेवन सी, सात आठ और एक नौ. सेकेंड एक्सप्रेशन डिग्री नौ पहले की आठ आपसे डिफरेंस पूछा गया, सो डिफरेंस कितना है? चलिए जी अगली चीज वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन है. तो बिल्कुल आसान सी बात है, जैसे हमने एक एक्सप्रेशन बनाया था 10p, ये हमने कॉस्ट निकाली थी टोटल पेन्स की जिसमें की p थे नंबर ऑफ पेन्स. अब अगर मेरे को दो पेन की कॉस्ट निकालनी है तो इस वेरिएबल को दो डाल देती हूँ. अगर 20 की निकालनी है तो p को 20 डाल दिया. तो अब इस एक्सप्रेशन में क्या पूछा उसने? दी वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 15/2m² प्लस 10 माइनस 6m फॉर m इज इक्वल टू 2. इसका मतलब क्या करना है अब आपने? m को क्या डालना है? मैंने 2 डाल दो फिर m को 2. m को 2 डालो और आंसर निकालो क्या बनेगा? 28. कितना? 28. M को डालना है मैंने 2 और आंसर निकालना है क्या बनेगा? फिफ्टीन अपॉन टू इंटू टू का स्क्वायर
plus 10 minus 6 into 2. बताओ जी अब 15 अपॉन 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 माइनस 12. अब पहली टर्म इससे इसको कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा 30 प्लस 10 माइनस 12 तो क्या बनेगा 40 माइनस 12 कितना आंसर बनता है 28. ऑप्शन ही नहीं है. चलो किसी भी एक ऑप्शन को जो 20 वाला है उसको 28 कर लो. आंसर इज 28. मेक ऑप्शन बी एज 28. चलिए जी अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना बच्चों, बहुत ध्यान से. हाउ मेनी मोनोम्यूल्स आर देयर. अगर आप ऐसे सीधे सीधे देख के आंसर कर दो फिर तो आप कहोगे कोई भी मोनोम्यूल है ही नहीं क्योंकि सब में एक से ज्यादा टर्म्स दिख रही है मुझे. अपेरेंटली एक से ज्यादा टर्म्स दिख रही हैं. बताओ जी कितने मोनोम्यूल हैं इसमें. कोई भी नहीं है, एक है, दो है, तीन है, क्या आंसर बनेगा. सोच समझ के आंसर करेंगे. हाउ मेनी मोनोम्यूल्स आर देयर इन द गिवन एक्सप्रेशन. वेरी गुड. अब पहले में अगर मैं अपेरेंटली देखूं तो मुझे चार टर्म्स नजर आ रही हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के लिए अनलाइक टर्म्स गिनती पड़ती हैं. क्या पहले एक्सप्रेशन में अनलाइक टर्म है कोई. सारी की सारी टर्म्स में एक ही पड़ा है, सारी लाइक टर्म्स हैं तो मोनोम्यूल हो गया. सेम इज ट्रू फॉर सेकेंड. सेम इज ट्रू फॉर थर्ड. व्हाट अबाउट फोर्थ. हाँ इसमें तो ये क्या होगा ये भी बता दो. जो फोर्थ वाला है ये क्या होगा. विल इट बी अ बायनोमियल, विल इट बी अ ट्रायनोमियल और विल बी समथिंग बायनोमियल. इसमें दो ही अनलाइक टर्म्स पड़ी है, एक वाई क्यूब वाली हो गई और एक वाई स्क्वायर वाली हो गई. व्हाट अबाउट द फिफ्थ वन. इसके बारे में आपका क्या विचार है. Binomial. This is again a binomial, क्योंकि इसमें जो टर्म्स पड़ी हैं, वो ए बी स्क्वायर वाली पड़ी हैं और ए स्क्वायर बी वाली. इसका मतलब चौथा और पांचवा बाइनोमियल है जबकि पहले तीन मोनोमियल हैं. अब हम कर रहे हैं चौदहवां क्वेश्चन करो पहले. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को. ये सिर्फ इसीलिए दिया मैंने, क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन कितनी कॉन्सेंट्रेशन से क्वेश्चन पढ़ता है. रोहन स्पेंड्स रुपीज एक्स डेली एंड सेव्स रुपीज वाई पर वीक. व्हाट इज हिज इनकम इन 3 weeks. हाँ जी माइक के पास आके बताएगा कौन फटाफट. 8A से बताएगा 8B से. 8A से कौन आएगा जी आंसर बताने के लिए. मुझे आशीष 8A. कहाँ आशीष. आजा बच्चे फटाफट आजा जल्दी से और एक्सप्लेन करके आंसर बताओ मुझे. हाँ बोल बेटा बोल. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं.
वो एक्स रुपए रोज खर्च कर रहा है और वाई रुपए पर वीक सेव कर रहा है। सबसे पहले तो ये सोचो कि अगर मुझे उसकी सेविंग बतानी है तो सेविंग कैसे निकलेगी? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो बेटा। मैम 1 वीक में 7 डेज होते हैं मैम। 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 7 3 जा 21 प्लस 5 बिल्कुल, मैम, ये ऑप्शन है। ए ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ए ऑप्शन है, परफेक्ट, वेरी गुड। सेविंग निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? सॉरी, मुझे इनकम निकालने के लिए, मुझे टोटल इनकम बतानी है, तो इनकम निकालने के लिए मैं क्या कहूंगी? जो इनकम है वो किसके बराबर है? इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अब जो इसमें सिर्फ एक बात ध्यान देनी थी, एक्स रुपए हर दिन खर्च रहा है, तीन तीन वीक्स में 21 दिन, 21 डेज, तो उसने एक्सपेंडिचर कितना किया? 21x। और वाई रुपीज पर वीक सेव कर रहा था, तो 3 वीक में 3 वाई रुपीज उसने सेव कर लिए। सो टोटल इनकम कितनी है? 21x प्लस 3 वाई। 15वां क्वेश्चन बताना क्या करोगे? सबने नहीं, सिर्फ हैंड रेस करना है, मैं जिसको बोलूंगी, या चलो तुम पढ़ लो पहले 15वां क्वेश्चन, मैं जिसे बोलूंगी वही आंसर करेगा। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। इन अ स्कूल 8a² प्लस 4a प्लस 9 स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड, 2a² माइनस 9a प्लस 2 स्टूडेंट्स वर बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स वर एनरोल्ड? How many girls were enrolled? This is what you need to tell me. 8B, Mayank. 8B Mayank. आजा बच्चे और मुझे बताओ करना क्या है, कैसे करना है की बात बाद में करेंगे, पहले करना क्या है ये बताओ। मयंक शीट कहाँ बेटा? पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, इसको पढ़ने तो पहले, हाँ पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। टोटल स्टूडेंट्स में से क्या कर देंगे? बॉयज माइनस माइनस, बिल्कुल ठीक है जी। करके बताओ जरा, सीट पे जाओ और निकाल के मुझे आंसर बता दे फटाफट बेटा। मयंक गो टू योर सीट एंड टेल मी, यहां पर हम क्या कहेंगे? टोटल स्टूडेंट्स जो हैं उनमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। अब टोटल स्टूडेंट्स मुझे क्या दे रखे हैं? 8a² प्लस 4a प्लस 9 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 2a² माइनस 9a प्लस 2। मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है, तो गर्ल्स निकालने के लिए ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और क्या करेंगे? 8a² प्लस 4a प्लस 9, इधर शिफ्ट किया माइनस 2a², इधर किया तो प्लस 9a, इसको इधर लाए तो माइनस 2। ये है गर्ल्स का नंबर। और अब हमें एक बात और समझ में आ चुकी है कि एड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ कैसी टर्म्स होती हैं? इसका मतलब इसका जो भी करना है मुझे इसके साथ करना है। 8a² माइनस 2a² मतलब 6a² ये 4a और ये 9a मतलब 13a, 9 माइनस 2 7, आंसर इज सी, प्लस 13a प्लस 7। चलिए जी अब पढ़ें जरा क्वेश्चन नंबर 16, सोच समझ के आंसर करना। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू थिंक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। वॉट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस गिवन नंबर टू ऑब्टेन द अनदर वन?
मैं अगर आपको पूछूं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 35 टू ऑब्टेन 22, क्या करोगे? थर्टी फाइव में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे 22 मिल जाए? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, पहले ये करके बताओ. नहीं, आंसर सी तो ठीक है, मैं जो पूछ रही हूँ पहले मुझे उसका जवाब चाहिए. यहीं से हम, मुझे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए बच्चों. यहां से अगर मैं देखूं, मैं कह रही हूँ कि 30, देखो मैथ से ज्यादा आसान लैंग्वेज कुछ भी नहीं होती. जो आपको वर्ड्स में दिया उसे इक्वेशन में पिरोते जाओ, बस बात खत्म. उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा 35 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि 22 मिल जाए, यही बात कही उसने मुझे. 35 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 22 मिल जाए. अब क्या मतलब x निकालना है, तो मैंने क्या किया, इस 22 को इधर शिफ्ट कर दिया, x को इधर शिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या, 35 माइनस 22, तो 13, 35 में से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 22 मिलेगा. अब यही चीज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो बच्चों सबसे पहले तो जब वेरिएबल आ जाते हैं तो देख के घबराना नहीं है, वेरिएबल भी उसी तरीके से ट्रीट होते हैं जैसे नंबर्स होते हैं. डर जाते हो इसलिए तुम्हें थोड़ी सी उसमें दिक्कत आती है, वरना जो काम नंबर्स के साथ कर रहे थे वही काम हमें वेरिएबल्स के साथ भी करना है. अब मुझे क्या कहा जा रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इस पूरे एक्सप्रेशन में से, आई वॉन्ट टू सब्ट्रैक्ट समथिंग. उस समथिंग को मान लो हम ए कह देते हैं, सो दैट आई ऑब्टेन -a² - -b² + 6ab. क्या ये बात समझ में आई है सबको? Yes. अब मुझे ये a निकालना है, इसका मतलब जो चीज निकालनी होती है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं. Yes. चलो फिर शुरू हो जाते हैं. 3a² - 4b² + 5ab, ये टर्म इधर लानी है. माइनस ए स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, और ये माइनस इधर जाके प्लस. अब फिर से वही लाइक टर्म वाली कहानी, ये 3a² किसके साथ कंबाइन होगा, स्क्वायर के साथ. इसको इसके साथ कंपेयर ऐड किया तो 4a² आ गया. अब ये और ये होना है, बताओ जी क्या बनेगा, और ये वाला इसके साथ होगा तो क्या बनेगा, ऑप्शन सी. अब मुझे बता दो कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात समझ नहीं आई है, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, सबको समझ में आ गई है पक्का? Anybody who is not able to understand, बच्चों इस तरह की स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन अगर मैं सीधे सीधे आपको कह दूं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो तो सब कर लेंगे, स्टेटमेंट से पहले इक्वेशन कैसे बनानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के अंदर. सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, चीजों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या कहा जा रहा है वो बात आपको पहले समझ में आए कि आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है. ठीक है जी, तो अब अगर समझ में आ गया है तो एक बात मेरी सबने माननी है, क्वेश्चन नंबर 17 करना, और जिस जिसका होता जाएगा सिर्फ हैंड रेज करना. मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे सही काम कर रहे हैं. आंसर मैं अपने आप पूछूंगी, जिस जिसका होता जाए कृपा करके हैंड रेज कर देना. चलिए शाबाश. Yes.
जिसका हो जाएगा हैंड रेज करना है, और एक दूसरे को नहीं देखते रहना कि उसने तो किया नहीं तो मैं क्यों करूं। जैसे पिछला क्वेश्चन किया, पहले उसको लिखो क्या कह रहा है, पहले उसको इक्वेशन में बांध लो, जो कुछ दिया है, जो भी डाटा दिया उसको एक इक्वेशन में लिख लो। एक बच्चे का हाथ खड़ा हो गया है 8B से, गुड, फटाफट बाकी करो जल्दी से। दो का हो गया है, पड़ोसियों का ही हुआ है, एक बच्चे तो नहीं किया एक दूसरे से। चलो फटाफट से 8B से दो बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया है, बाकी किसी का हाथ नहीं खड़ा हो रहा, ना 8A से अभी तक किसी का हुआ है। कॉम्पिटिशन 8B में तीन बच्चों ने, 4, 5, गुड गुड गुड, फटाफट फटाफट, 8A यू आर लैकिंग। एक बच्चे ने हाथ किया क्या अभी 8A से, 2, 3, जल्दी 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 जल्दी, चलिए चलिए, गुड गुड, हाथ खड़े हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी से। आई एम वेटिंग एटलीस्ट 50 बच्चों के हाथ 50% के खड़े हो जाएं तो मैं आंसर डिस्कस करूं। गुड गुड गुड, 8A से भी हो रहा है, 8A आज थोड़ा सा सुस्त काम कर रहे हो, बी वाले नंबर ले जा रहे हैं तुम्हारे से। हाँ जल्दी जल्दी, बी में से बहुत लोगों के खड़े हो गए, ए में से भी अब तो काफियों के खड़े हो गए हैं। गुड है जी, गुड है, फटाफट चलो हम इसका ना आंसर फटाफट डिस्कस कर लेते हैं जी। हाँ जी, 8B वाले पहले बताएंगे आपका आंसर क्या बन रहा है। सी, ओके, 8A आप लोगों का आंसर क्या बन रहा है, कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है कि बी बन रहा है। बिल्कुल ठीक, जो करेक्ट आंसर है वो है मेरा क्वेश्चन का। अब ऑनेस्टली ऑनेस्टली मुझे बताओगे किस किस का आंसर नहीं आया है। एक मिनट और दे रही हूँ, जल्दी से कर लो, जिसने अभी नहीं अटेम्प्ट किया जल्दी से करो, और देखो आंसर भी बन रहा है जिसका नहीं आ रहा। बच्चों हेजिटेट नहीं करना होता, पूछना होता है। What should be added to 2x square plus xy plus 2y square, मुझे कहा गया इसमें मैंने कुछ add करना है, मुझे इसमें कुछ add करना है, और मैं आंसर क्या चाह रही हूँ, 3x square plus 5xy। अब जो चीज निकालनी है, ये ए निकालना है, इसको इस तरफ रखना है, इसका मतलब ये सारा कुछ उठा के दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। यहाँ 3x square, इधर से आया माइनस 2x square, तो क्या बच गया, x square, ये प्लस का 5xy, चलो मैं यहां लिख ही दे रही हूँ, 3x square प्लस 5xy माइनस 2x square माइनस xy माइनस 2y square। ये और ये कंबाइन किया x स्क्वायर, ये दो लाइक टर्म्स पड़ी थी इनको कंबाइन कर दिया तो ये आ गया, ये बेचारी अकेली है इसके साथ कोई है नहीं, तो x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है जी, अब सिर्फ आपका मैं ज्यादा तो ले रही हूँ टाइम, लेकिन केस स्टडी में हम सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस कर लें, कर तो आप लोग लेंगे इसको। देखो जी, अभी इससे पहले हमने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस, प्रॉफिट सब कुछ डिस्कस किया था। अब देखो अलजेब्रा कैसे यूज कर सकते हैं हम उसमें, पढ़ो जरा केस स्टडी, पढ़ो शाबाश फटाफट से। एक शर्ट की कॉस्ट दे रखी है और एक जैकेट की दे रखी है, एक शर्ट को सेल करके शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है लेकिन जैकेट को सेल करके उसको नुकसान हो रहा है। अब मैंने क्वेश्चंस का आंसर करना है। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 shirts and 2 jackets, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि करोगे क्या, हाथ खड़ा करना है। अब मैं देख रही हूँ कि 8A से पहले हाथ खड़ा होता है कि 8B से पहले हाथ खड़ा होता है, क्या करना है मुझे ये बता दो। आंसर क्या आएगा उसकी बात बाद में करेंगे,
करना क्या है, सिर्फ ये जानना है मुझे. आई एम वेटिंग. किधर से हाथ खड़ा हो रहा है, 8A या 8B? आज 8A वाले जो सुस्ती दिखा रहे थे, कोई कंपनसेशन करेंगे उसकी कि नहीं करेंगे, ये देखना है मुझे. I again say I'm not bothered about what answer you are getting. I'm bothered about how you are going to attempt it. B, eight B ने फिर से हाथ खड़ा कर लिया. A वाले फिर बैठे रहो तुम पीछे. Eight B से हाथ खड़ा हो गया आंसर के लिए. तीन हाथ खड़े हो गए eight B से, वो बताने वाले हैं मुझे कि कैसे करना है. Eight A वाले जागो बच्चों. सिर्फ मैं पूछना चाह रही हूँ कैसे. चलो जी, 8B में ये जो गर्ल्स बैठी हैं दोनों, आ जाओ कोई सा एक माइक के पास, फटाफट आ जाओ जल्दी से. 8B वालों का एक प्लस वन होने वाला है और 8A वालों का माइनस वन होने वाला है, क्योंकि हाथ ही नहीं खड़ा करते ये. मैम, वी विल ऐड बोथ द प्राइजेस ऑफ शर्ट एंड जैकेट. अच्छा, दोनों शर्ट और जैकेट का ऐड कर देंगे आप आंसर. मतलब आप कहना चाह रहे हो आपका आंसर बनेगा 12x + 2y. यस. चलो, 8A B वालों को जो नंबर दिए थे वो काट दिए मैंने. 8A से हाथ खड़ा हो रहा है, हाँ पीछे से, सेकंड बेंच, मिडिल रो, सेकंड लास्ट. आ जाओ बच्चे. एट बी ने माइनस वन करवा लिया, प्लस वन करते करते माइनस वन. अब देखते हैं ए वाले क्या करते हैं. बोल बेटा, बोल बच्चे, बोल. He got profit in shirt and got loss in jacket. हाँ, वो तो बात अलग है. अभी तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 shirts and 2 jackets. एट ए वाले कुछ और आप इम्प्रूव, एट बी वाले कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, वॉन्ट टू से समथिंग एल्स? आंसर ए किसने बताया, हाथ खड़ा करो. आंसर ए किसने बताया? बिल्कुल ठीक है जी, फिर एक्सप्लेन करो ना. 8A वालों ने प्लस वन करवा लिया, जल्दी बताओ बेटे किया कैसे. तो, मेरे को एक शर्ट और एक पेंट का कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा गया यहाँ पे, मुझे क्या कहा गया था, तीन शर्ट्स और ये 10x + 5y कितने की कॉस्ट है, एक की, और दो जैकेट्स, एक जैकेट की है 2x - 3y. ये बात समझ में आई है? गुड बेटा, गो टू योर सीट. 8A, तीन शर्ट्स और दो जैकेट्स की टोटल कॉस्ट प्राइस पूछी गई है, तो क्या हो जाएगा, 30x प्लस, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं जो ब्रैकेट के बाहर चीज पड़ी होती है, सभी चीजों से मल्टीप्लाई. 30x + 15y + 4x - 6y, 34x + 9y. अब एक क्वेश्चन और कर दो बस, मैं टाइम ले रही हूँ आप लोगों का ज्यादा, आई नो, बट अब मुझे दिया दी प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ वन शर्ट इज ₹7x - 5y, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट इज. शाबाश, जल्दी से बोलो, जल्दी से. सेलिंग प्राइस क्या होता था, कॉस्ट प्राइस माइनस प्रॉफिट की कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस प्लस. क्या कॉस्ट प्राइस दिया है शर्ट का? कॉस्ट प्राइस कितना दिया बच्चों? 10x + 5y. और प्रॉफिट कितना दिया है? 7x - 5y. तो बस दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास सेल प्राइस सेलिंग प्राइस आ जाएगा? कितना आएगा बच्चों? 17x, क्योंकि ये प्लस 5y और माइनस 5y तो आपस में 17x. समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? हाँ जी, समझ में आ रहा है.
तो अब आपने, आज हमने सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ही काम किया है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम अगली क्लास में करेंगे। अब तुम्हारे लिए इसमें से जो आंसर जो करके आने हैं क्वेश्चन, जो होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और ऊपर से आपने क्वेश्चन नंबर 13, 9 and 10, क्वेश्चन नंबर 9, 13, 10 और केस स्टडी का 3 and 4, बाकी एक दो क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों, डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए चलो, हो गया था ना।